गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं आस्तिक अपने चैनल गणित मंत्रा में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एयरफोर्स के लिए रागा का सेट पेपर एक है और जो पिछली बार आया हुआ है। हम लोग ये सीखेंगे क्वेश्चन करना कैसे है और जल्दी से जल्दी समय बचा करके और सभी क्वेश्चन को सही करना कैसे है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली ये रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं ये बाद में मुझे करना था, लेकिन मुझे बनाना पड़ा, इसलिए हमने सबसे पहले रीजनिंग रख दिया है और बाद में हम लोग और भी चीजें सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा रीजनिंग का ये दिया है, बोला है ध्यान से देखना है, बस ऑप्शन काटने का तरीका सीखना है जितनी जल्दी हो जाए। ठीक है, देखो ये हाफ सर्किल बना है, सब में कह रहा आखिरी में क्या आएगा, तो आप इनके रोटेशन देखिए। पहले ये देखिए, पहले ऐसा बना हुआ है, फिर यहां पर ये 45 डिग्री पर बेंट हुआ, फिर 45 पर बेंट हुआ। अब जो भी बेंटिंग होगी वो 45 डिग्री की होगी, मतलब 45 डिग्री का बेंट हमें करके चलना है। और इधर देखिए आप, दो पॉइंट है, दो लाइन ड्रा है, चार लाइन ड्रा है, छह है, तो यहां पर अगले में टर्म्स आना चाहिए, आठ लाइन डाला। तो आप कोई ना कोई एक लॉजिक पकड़ के चलिए, सबसे पहले 45 वाला लॉजिक पकड़ो। देखो यदि ये है तो अब ये 45 इधर को रोटेट होना चाहिए, तो ये वाला तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। इसके बाद ये वाला भी पॉसिबल नहीं है, ये थोड़ा सा हिंट करता, ये हिंट करता। अब ये भी पॉसिबल बिल्कुल नहीं, क्योंकि एज इट इज बना दिया है। ठीक, तो हमारा जो आंसर होगा वो ये वाला, थोड़ा सा बेंट गड़बड़ हुआ था, लेकिन जो आंसर इसका होगा वो बी होगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एरो दिया, पॉइंट दिया, एरो दिया, पॉइंट दिया, एरो दिया, पॉइंट करा, अगला क्या आएगा? तो आप बस ये देखिए कि एरो दिया है इस कॉर्नर में, जस्ट इधर पर आ गया, मतलब एक कॉर्नर सेट हुआ, टर्न लिया। अगले में देखो इधर से आया इधर, तो इधर से फिर से यहीं पर आना है। तो देखो ये वाला आंसर पॉसिबल है, ये तो हो नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता, या तो ये होगा या तो ये होगा। राइट, अभी आप देखो ये पॉइंट जो था ये आधे से इस कॉर्नर पर आ गया, तो ये वाला पॉइंट आधे से इस कॉर्नर पर आना चाहिए। तो थोड़ा सा ऑप्शन वगैरह इसके गलत हो गए थे, ऑप्शन गलत हो गए हैं, सही है, सही ऑप्शन सही है, ये एरो इधर को जा रहा है, तो ये वाला हमारा आंसर आएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तीसरे पे आते हैं। देखिए रेक्टेंगल बना है, हाफ रेक्टेंगल बना, फिर फुल रेक्टेंगल बना, फिर एक रेक्टेंगल के अंदर में हाफ रेक्टेंगल बना, तो अब जो वैल्यू बननी चाहिए तो रेक्टेंगल के अंदर फुल बनना चाहिए। तो यहां पर अंदर तो रेक्टेंगल है, बाहर ब्रैकेट लगा इसलिए नहीं होगा, ये रेक्टेंगल के अंदर ब्रैकेट बने, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो गया आंसर। चौथे नंबर पे आते हैं, तीन लाइनें ड्रा है, ये रोटेट हुई 45 डिग्री पर, फिर 45 डिग्री पर और फिर 45 डिग्री पर, ध्यान से समझना, ऐसे 45 आप रोटेट करेंगे तो ये बन जाएगा फिर 45, तो अब ये सीधे सीधे लाइन में होना चाहिए, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं, आंसर आ गया अभी। राइट, आते हैं अगले क्वेश्चन में। यहां पर सभी हेक्सागोन बने, सभी हेक्सागोन बने, तो हेक्सागोन में ध्यान देना है, पहले इस पॉइंट पे ब्लैंक किया गया है, एक खाना छोड़ करके इस पॉइंट को छोड़ करके यहां पर, मतलब दो पॉइंट पीछे आना है, यहां पर भी दो पॉइंट पीछे, तो अब अगला वाला जो टर्म्स होगा वो इस जगह पर होना चाहिए। तो आप जहां पर दो वैल्यू, एक वैल्यू छोड़ के दूसरे में ब्लैंक किया गया वही आंसर होगा, और चलना है हमें क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक नहीं चलना, क्लॉक वाइज चलना है। तो आप देखो इसके जस्ट बाद में एक ही बात है, तो ये पॉसिबल नहीं, ये तो जस्ट उल्टा हो गया, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, आंसर आ गया। राइट, अगली बात करते हैं डाइस में। डाइस के बारे में हमने बोला है कि डाइस में सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि डाइस नॉर्मल है या स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डाइस में दो अपोजिट सतहों का योग कभी साथ नहीं होता, नॉर्मल डाइस में साथ होता है। ठीक, तो आप देख लो 4-3-7 दोनों में, मतलब ये नॉर्मल डाइस है। नॉर्मल डाइस में एंटी क्लॉक वाइज और क्लॉक वाइज चलते हैं, फिर कॉमन फैक्टर देखते हैं। आप देखो दोनों में कोई ना कोई कॉमन है, यहाँ 4-3 कॉमन है, यहाँ 4-3 कॉमन, तो जो वैल्यू दूसरे कॉमन है उनको छोड़ दो, जो बची वो एक दूसरे का अपोजिट होंगी। तो हम कहेंगे 5 का अपोजिट कितना होगा, 1, या 1 का अपोजिट, हमसे पूछा गया कि 1 के अपोजिट सतह में क्या होगा, तो हम कहेंगे 1 के जस्ट अपोजिट सतह में वैल्यू होगी 5। राइट, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हम देखो काफी सारे क्वेश्चन इसमें जीएस के हैं, ये शायद 2015 या 16 का पेपर था, सेट पेपर है, जो भी मुझे कंफर्म नहीं किसका, मैंने सेट पेपर से ही निकाला है,
ठीक है, तो आप प्रैक्टिस भी करते रहे, यदि कोई क्वेश्चन आपका फंसता है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप, आप उसमें सेंड करें और इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कोई क्वेश्चन फंसता है तो आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो जीएस का जो क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली सेना थी। क्वेश्चन है कि किस शासक के पास एक शक्तिशाली सेना थी। ऑप्शन हमारे पास है चोल, पांड, चेर और पल्लव। तो किस शासक के पास शक्तिशाली सेना होगी, तो वो होगा चोल वंश। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि जो चोल शासक थे इनके पास में जो सेना थी वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, तो पहला का जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, चोल। राइट, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो जीएस में पॉइंट भी पॉइंट आप सीधा सीधा करें, इसमें कुछ नहीं करना। यदि हम आपको ये क्वेश्चन लिख के पूरे दिखाएंगे तो बहुत लंबे हो जाएंगे, आप हमारी आवाज को सुने हम क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, बस आप डाइट करते रहे। कह रहे कौटिल्य किसका सलाहकार था, तो कौटिल्य के बारे में आपने पढ़ा होगा, विष्णुगुप्त। अब ये देखो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थे, ऑप्शन हमारे पास है अशोक, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो हमें पता कौटिल्य का रिलेशन किससे है, चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक, तो सेकेंड क्या आया, चंद्रगुप्त गुप्त मौर्य। राइट, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे राष्ट्र गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी। एक राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रगीत होता है, जो वंदे मातरम में ये जो है राष्ट्रगीत है और जनगण मन जो है वो राष्ट्रगान है। ठीक है, तो वंदे मातरम की रचना किसने की थी, ऑप्शन हमारे पास रवीन्द्रनाथ टैगोर, राम प्रसाद बिस्मिल, सरोजनी नायडू और बंकिम चंद्र चटर्जी। तो याद रखना वंदे मातरम की जो रचना हुई थी वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, तो इसका आंसर क्या होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। राइट, अगला बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन। अभी कह रहा है कि हमारा बंगाल विभाजन जो हुआ था, देखो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो कह रहा बंगाल विभाजन किसने किया था। ऑप्शन हमारे पास है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो याद रखना आप 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, और जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। ठीक, आता पांचवा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन था सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की गई थी, किसने की थी, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन हमारे पास राजा राम मोहन राय, श्री नारायण गुरु, गुरु ज्योतिया ज्योति राव, गोविंद राव फूले, इसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो सबसे पहले ध्यान रखना सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव गोविंद राव फूले ने की थी, ज्योति राव गोविंद राव फूले ने की थी, किसकी, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योति राव गोविंद राव फूले ने की थी। क्वेश्चन नंबर छठे पे आते हैं। अब कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। तो सबसे पहले आपको ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत मैप का ज्ञान होना चाहिए, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी की नहीं गिरती। ऑप्शन हमारे पास जो लिखा है वो है महानदी, ताप्ती नदी, गोदावरी, कृष्णा नदी। हमसे कह रहा है कौन सी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, तो ध्यान से समझना है। ताप्ती नदी ऐसी है, ताप्ती नदी का पानी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता, जबकि महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदी का जो पानी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो ताप्ती नदी कहां जाती, ताप्ती नदी अरेबियन सी में जाती है। ठीक है, इसके बाद इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती। म्यांमार देखो भारत का एक पड़ोसी देश है, अब कह रहा है उसकी सीमा मतलब म्यांमार से किस स्टेट के, मतलब इंडिया के कौन से स्टेट है जिससे म्यांमार की जो सीमा है वो टच नहीं करती। ऑप्शन हमारे पास है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। क्या क्या है, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, त्रिपुरा। तो हम कहेंगे म्यांमार से त्रिपुरा की सीमा रेखा टच नहीं करती, तो जो सातवां नंबर ऑप्शन आया तो वो हमारा आएगा त्रिपुरा। राइट, आठवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है भूटान की राजधानी क्या है। तो भूटान की राजधानी तो आपको पता होगा, ध्यान रखिएगा ये कैपिटल जरूर, आप जो पॉपुलर कंट्रीज हो उनके कैपिटल जरूर पढ़ लें, क्योंकि ये पेपर में बहुत सारे आते हैं। और लूसेंट की किताब का विविध का पिछले का हिस्सा पूरा पढ़ लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा फंसता है, कुछ भी ना पढ़े इसी से काम हो जाएगा। कह रहा भूटान की राजधानी क्या है, ऑप्शन हमारे पास बाकू, गंगटोक, थिम्फू और कोहिमा। तो जो भूटान की राजधानी है वो थिम्फू है,
भूटान की राजधानी क्या है? थिम्फू। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है। कह रहा था मैगलन जल डमरू मध्य स्थित है, मैगलन जल डमरू मध्य स्थित है। अब देखो इस ये डिटेल का क्वेश्चन आ गया, यदि आपको पता होगा तब ये आप कह सकते हैं। मैगलन जल डमरू मध्य जो स्थित है वो स्थित है, वो ऑप्शन हम लिख रहे हैं दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी छोर पर। क्वेश्चन नंबर नवा क्या था? मैगलन जल डमरू मध्य स्थित है, तो कहां स्थित है? दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी छोर पर मैगलन जल डमरू मध्य स्थित है। ठीक, दसवां क्वेश्चन, ये बड़ा अजीब है। इस तरीके क्वेश्चन आपके पास आए और आपने कभी ना पढ़ा तो तुक्का मत मारना, तुक्का मारेंगे तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है पीटम मृदा क्या है। अब ये मैंने भी बड़ी पहली बार पढ़ी हुई थी पीटम मृदा के बारे में, काफी सर्च किया तब हमें पता चला। ठीक है, देखते हैं पीटम मृदा क्या है। तो पीटम मृदा का मतलब पीटम साइल्स होता है। पीटम मृदा कहां पाई जाती? तो होती केरल में। कौन सी? ध्यान से समझना, पीटम मृदा के बारे में यदि बात करें तो ये केरल में पाई जाती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो ये करीब 10-11 क्वेश्चन हमारे जो थे वो जीएस में आए हुए थे और काफी अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, रीजनिंग से रिलेटेड है। क्या है कि गंगा, देखना ध्यान से, गंगा का संबंध किससे है? ऑप्शन हमारे पास है समानुपात यमुना का है यमुनोत्री से। तो सीधा सीधा बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, बड़ा लिखना है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ये देखो क्वेश्चन है कि गंगा का संबंध किससे है, यदि यमुना का संबंध है यमुनोत्री से। ऑप्शन हमारे पास है कि भैया ऑप्शन थे गंगोत्री, बृहदगिरी, विंध्याचल और यमुनोत्री। तो देखो जो गंगा है तो गंगा का संबंध होगा गंगोत्री से, राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कलम में हमेशा होता है, कलम में हमेशा होता है। ऑप्शन हमारे पास है कैप होल्डर, इंक और निब। अब कलम का मतलब है पेन की बात नहीं कर रहा है, कलम मतलब पहले जो एक चलती थी बांस वगैरह की कलमें, उनमें निब हो अथवा ना हो, होल्डर हो अथवा ना हो और कैप हो अथवा ना हो। यदि इंक नहीं हुई तो कभी लिख नहीं सकते हो, शायद आपने कभी उससे लिखा ना होगा, लेकिन यदि आपके रिलेटिव हैं जो काफी एजेड है उनसे जरूर आप बात करना। पहले पेन नहीं चलते थे, पहले चलते थे कलम, जो लकड़ी से छील के बांस से छील के बनाए जाते थे। ठीक, तो कलम में यदि कलम से आपको कुछ चीज लिखना है तो आपके लिए जरूरी कौन सी पॉइंट होगी? वो होगी इंक। तो कलम में इंपॉर्टेंट हमेशा क्या चाहिए? इंक, राइट। बिना इंक के आप कलम से लिख ही नहीं सकते। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको हम रब कर दे रहे हैं, आप ध्यान देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भाई 21 अगस्त 1980 को रविवार था, 21 अगस्त 1980 को रविवार था, तो 31 दिसंबर 1980 को क्या होगा? तो हमने इसके बारे में बताया है कि देखो कैलेंडर के कभी भी क्वेश्चन आए तो 7 डेज के गैप में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बस हम लोग क्या करते हैं 7 डेज के गैप से यदि कुछ एक्स्ट्रा आता है तो वही जोड़ देते हैं, वही घटा देते हैं। आगे जाना है तो जोड़ देंगे, पीछे जाना है तो घटा देंगे, राइट। अब ध्यान से समझना है, 21 अगस्त से 21 दिसंबर तक जाना है और साल वही है 1980, यहां पर भी 1980, यहां पर। देखो अगस्त में दिन होते हैं कितने? 31 31 में 21 हमने ले लिया तो बचे कितने? 10। अब 10 को बड़ा ले निकले हमें एक्स्ट्रा डेज निकालना है, 7 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यदि हम 10 में 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा? 3। तो अगस्त से हमें 3 दिन एक्स्ट्रा मिले। सितंबर होता है 30 का तो सितंबर में 2 दिन मिलेंगे, अक्टूबर होता है 31 का तो अक्टूबर में 3 दिन एक्स्ट्रा मिले, नवंबर में 2 दिन एक्स्ट्रा मिले और दिसंबर में 3 दिन एक्स्ट्रा मिले। हमने पता है एक्स्ट्रा कहां से निकाले? यदि 30 दिन है तो आप 7 से डिवाइड करो, जितनी बार चला गया उसे छोड़ दें, जितना रिमाइंडर बचा वही लिख देना है। तो अगस्त के 3 एक्स्ट्रा, सितंबर के 2, अक्टूबर के 3, नवंबर के 2, दिसंबर के 3, उठा के जोड़ दो, 3 2 5 3 8 2 10 3 13,
अब 13 दिन तो जोड़ने में दिक्कत होगी, तो आप क्या करें तुरंत से 7 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर आया 6 days। यदि आप आगे जा रहे हैं तो 6 दिन जोड़ दें, और पीछे जा रहे हैं तो 6 दिन घटा दें। अब यदि आप संडे में 6 days ऐड करेंगे तो वैल्यू जो होगी वो आएगी सैटरडे, कौन सा दिन आएगा सैटरडे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शनिवार। ओके आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना, और जो भी दिक्कत हो तो आप मेरे नंबर पे ही व्हाट्सएप कर दें, परेशान नहीं होना है बस। अगला क्वेश्चन है कि भाई शेक्सपियर SHAKESPEARE से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ऑप्शन हमारे पास थे पास PASS, फिर था SHAKE सेक, फिर था पियर्स PEARS, और फिर था SHAM। दिखाई दे रहा है कहां से बड़ा लिखे, तो जब शेक्सपियर दिखाई दे रहा, देखो शेक्सपियर से बना कह रहा है, इनमें से कौन सा ऐसा वैल्यू है जो नहीं बनेगी, तो अब ध्यान से समझना, जब भी यार नहीं बनेगी तो वो वैल्यू छाटना है, इनमें से वो वैल्यू आप अल्फाबेट निकालें जो इस पूरी वैल्यू में ना मिले। कभी कभी ऐसा होता है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, रिपीटेशन मतलब यदि कोई लेटर यहां पर एक आया है और वो रिपीटेड करके दे दे तो वो अलाउड नहीं होगा, ठीक। और कभी कभी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आता है, आप देखो ध्यान से बस देखना है SHAKESPEARE, तो आप ध्यान से देखो पास में भी सब कुछ मिल रहा है, सेक में भी मिल रहा है, पियर्स में मिल रहा है, लेकिन सैम SHAM में एम यहां पर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा ये, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला गया कि भाई एक लड़की को इशारा करते हुए ब्रजेश ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पिताजी के बेटे की भांजी है, वह लड़की ब्रजेश की कौन है। अब देखो लड़की ब्रजेश की कौन है, तो पीछे चलेंगे, ब्रजेश लड़की को क्या कहेगा, उल्टा मत करना, लड़की ब्रजेश की कौन है मतलब ब्रजेश लड़की को क्या कहेगा, क्या कहेगा, बस ये सेट रखें। लास्ट वाले थे क्वेश्चन करें क्या कहेगा, नहीं कभी कभी हम लोग क्वेश्चन तो कर लेते हैं और उल्टा आंसर लगा देते हैं, और क्वेश्चन में सब कुछ दिया होता है। देखिए एक लड़की की ओर इशारा करते हुए ब्रजेश ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पिता के, देखो पूरा वेन डायग्राम हमने नहीं बनाना है, दिमाग लगाना है थोड़ा सा, मेरी माँ के पिता, अपने आप को एनालाइज करो, मेरी माँ के पिता मतलब हमारे नाना जी के बेटे मतलब मामा की भांजी, मामा की भांजी कौन होगी, खुद की बहन, तो इसका आंसर क्या आया, बहन भाई का रिलेशन है, तो ब्रजेश लड़की को क्या कहेगा बहन, और लड़की ब्रजेश को क्या कहेगी भाई, हमसे ये कह रहा था लड़की ब्रजेश की कौन है, तो ब्रजेश लड़की को कहेगा बहन, काम खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो भी हो देख लेना आप, धर्मवीर कह रहा, देखो एक ही लाइन पर एक व्यक्ति की बात करें दाएं बाएं की तो दोनों को जोड़ करके घटा देते तो पूरी कंडीशन निकल आती, लेकिन एक लाइन में यदि दो बंदे बैठे हो फिर भी क्वांटिटी आपको निकालना है। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मवीर किसी कतार में बाएं से 23वें स्थान पर है, मतलब ये लेफ्ट साइड से किस नंबर पे 23 पर, अभी हमसे कह रहा है इसके जस्ट तुरंत बाद दाएं गौरव बैठा है, तो यहां पर बैठा है धर्मवीर, और इसके जस्ट बाद लिखा है गौरव, और ये इधर से 8वां है, समझ रहे इस बात को, तो कह रहे हैं कि बताओ दाई तरफ से 8 कतार में कुल कितने लोग हैं, तो आप एक चीज बताओ ये 8वां है मतलब धर्मवीर के बाद यहां कुल 8 लोग बैठे, और यदि ये बंदा धर्मवीर 23वां है तो इधर तक 23 बैठ चुके, इधर तक 8 बैठ चुके, तो टोटल लोग कितने आ गए 31, तो हमें पता चला कि भैया लाइन में कुल लोगों की संख्या कितनी हुई 31, ठीक है 23 ये 8 ये 31 हो गया, काम खत्म। अब एक व्यक्ति की दाएं बाएं बात करें तो दोनों की पोजीशन को जोड़ करके घटा देना है, ठीक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अभी कह रहा पारस अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, ठीक। देखो कभी भी जब तक डायरेक्शन की ना बात करे, डायरेक्शन कह रहे दूरी की बात ना करे, तब तक आप पूरा डायग्राम ना बनाए, यदि देखो ऑप्शन देख लिया करो,
डायरेक्शन में बोले कि भैया उत्तर आंसर पूर्व आसन पश्चिम ऐसा वैसा कुछ बोले, तो आप पूरा डायग्राम ना भी बनाए तो भी काम चल जाएगा, लेकिन आपको मैं बना के दिखा रहा हूं कैसे करना। क्वेश्चन है कि पारस अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, तो आप जहां पर खड़े हैं वहीं से आप मान लीजिए, मान लो कि यहां से चला और उत्तर 1 किलोमीटर चला, राइट। अभी कह रहा है पुनः दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर, देखो ध्यान रखना, दाएं मिलना मुड़ना राइट मिलना राउट सॉरी दाएं मुड़ना राइट मुड़ना का मतलब होता है क्लॉकवाइज, बाएं मुड़ना और लेफ्ट मुड़ना का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो अब बात आप बताओ, कह रहा है कि दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चला, तो दाएं कहां हुआ, इधर 1 किलोमीटर चल दिया। अब पुनः दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर गया, तो आप बताओ यदि इस बंदे इस तरफ जा रहा है तो इसका पुनः क्या होगा, दाया इधर होगा, ये गया 2 किलोमीटर। अब अंत में बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर हुआ घर से घर की ओर, अंत में बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला, अंत में बाएं मुड़कर मतलब देखो यदि बाएं मुड़ेंगे तो इधर कहां जाएगा, इधर जाएगा, 4 किलोमीटर चला है, ठीक। अब हमसे कह रहा है कि बताओ वो अपने घर से किस दिशा में, तो इसका घर तो यहां पर था, अब अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ये ना इधर है, बीच में कहीं पर जा रहा है, इधर देखो ध्यान से पूर्व भी नहीं है, ये डायरेक्शन यदि हम लोगों ने सही बनाई होती तो ये कहानी कुछ ऐसी हो जाती, तो इसका आंसर क्या होगा, ना तो ये इनमें से कोई तो सेट नहीं। अब हमारे पास ऑप्शन क्या थे, उत्तर पूर्व पश्चिम पूरब दक्षिण पूर्व, तो ये जो आंसर होगा इस साइड वाला क्या होगा, दक्षिण और पूर्व, ठीक। तो इस तरीके से आप इन तरीकों क्वेश्चन को आराम से निपटाएं। अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखो एक सेटअप बनाना है, कह रहा है कि दही एक नंबर, दो नंबर पे घास, तीन नंबर पे मक्खन, चार नंबर पे दूध, पांच नंबर पे गाय, कह रहा है इनको सीक्वेंस पे लगाओ। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो बस आप कोई एक वैल्यू उठाकर ऑप्शन टैली करो, ऑप्शन हमारे पास देखो इसके हम लिख देंगे 4, 2, 5, 3, 1, 5, 2, 4, 1, 3, 5, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 4, 3, 1। तो आप बताओ सबसे पहले दही घास मक्खन दूध गाय, तो गाय पहले गाय घास खाएगी तब दूध देगी, दूध देगी तो उससे बनेगा मक्खन, मक्खन से निकाला जाएगा घी। तो देखो सीधा सीधा कोई एक ऑप्शन उठा करते हैं, सबसे पहले गाय होगी तो ये ऑप्शन कट गए, या तो ये होगा या तो ये। अब देखो ध्यान से ये दोनों साथ में चल रहे हैं, मतलब 5, 2, 5 का मतलब गाय और इसका मतलब घास, तो गाय पहले घास खाएगी इसके बाद क्या देगी, दूध, मक्खन तो नहीं है, तुरंत मक्खन आ जाएगा, मक्खन तब आएगा जब दूध देगी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ये वाला कट गया, आंसर आ गया कौन सा कि गाय घास दूध दही और मक्खन, ठीक। अगला देखते हैं, टाइम देखो कितना हो गया 23। अब देखो एक क्वेश्चन आ रहा फटाफट कि वे 13 से बना 26, 78 फिर है 117 फिर है 234, राइट। अब हमें रिलेशन बनाना है, ध्यान से देखना, 13 दोगुना, देखो एक टर्म्स दो टर्म्स तीन टर्म्स, मतलब टर्म्स तो यहां पर 6 पेयर दो के बनना है, 13 दूनी 26 और 117 दूनी 234, तो किसका दोगुना करेंगे 78 आ जाए, तो आंसर हमारा 39, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कि देखो एक वस्तु का एसपी 39 रुपए, किसी वस्तु का एसपी है 39 रुपए, कितना है 39। अभी हमसे कह रहा है कि इसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ के प्रतिशत के बराबर है, मतलब जितना इसका सीपी था उतना ही प्रॉफिट लिया गया। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए कि सीपी के बराबर प्रॉफिट लिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके जस्ट पहले किस संख्या में जीरो लिखा होता है बस वो लगाओ। तो आप बताओ 39 के जस्ट पहले किस में जीरो होता है, 30। अब चेक कर लो क्या 30 का 30% 9 होता है, हाँ तो लगा दिया 9, और 30 में 9 जोड़ने पर 39 आ रहा है कि नहीं, यदि आ रहा है तो इसका आंसर हुआ 30, काम खत्म। क्वेश्चन एक बार हम पढ़ दे रहे हैं, क्या है, एक वस्तु का एसपी 39 रुपए, एसपी है 39। अभी कह रहा है उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से
उसके लाभ के प्रतिशत के बराबर है। तो लागत मूल्य क्या है? तो ऑप्शन हमारा था 30, 32, 36 और 25। हमने कहा जब भी कभी ऐसे हैं लागत मूल्य के बराबर लाभ हो तो कुछ नहीं, उसके जस्ट पहले वाला जीरो वाला आंसर होगा, बस काम खत्म। तो 39 के जस्ट पहले होता है 30, जिसमें जीरो लगा होता है 3 में वही आंसर होगा। अगला, अब हमसे कह रहा है कि ए बी सी तीन व्यक्ति थे जिन्होंने मिलकर किसी काम को 30 मिनट में किया, मतलब ए बी सी ने मिलकर किया 30 मिनट में, तो बोध कर लो। ठीक, अभी कह रहा है यदि ए और बी ने मिलकर, सॉरी कहां पर गया, ए और बी ने मिलकर इस काम को 50 मिनट में किया हो तो बताओ सी अकेला कितनी देर में करेगा। तो आप इधर लिख लो ए प्लस बी कितने मिनट, 50, दोनों का एलसीएम लो तो वैल्यू आ गई 150। 30 बराबर 150 तो 1 बराबर 5, 50 बराबर 150 तो 1 बराबर 3। आप बताओ ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 5 कर रहे हैं और ए बी मिलकर 3 कर रहे हैं तो कितना कम हो गया, 2, क्योंकि इसमें कितना कम हुआ है, सी, सी कम हुआ, सी ने 2 कम कर दिया। तो हम कहेंगे सी जो है एक मिनट में कितना काम करेगा, 2 काम, हमें कितना करना था 150, 150 में 2 का भाग करो, आंसर आ गया 75, काम हो गया खत्म। ठीक, अगला, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप प्रत्येक बहिष्कोण के माप का 2 गुना है, तो बहुभुज की भुजाएं बताओ। देखो एक पॉलीगोन के इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि इंटरनल एक्सटर्नल का 2 टाइम है, तो ये हुआ 2 और ये हुआ 1, 2 1 हुए 3, 3 की वैल्यू यदि 180 है तो आप बताओ 1 बराबर कितना होगा, 7। तो हम कहेंगे एक्सटर्नल वैल्यू आ गई 60 और इंटरनल वैल्यू आ गई 120। अब जब कभी भी पॉलीगॉन की संख्या पूछे कितनी बहुभुजाएं, तो कुछ नहीं करना है, देखो याद रखना पॉलीगॉन के सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल, मतलब पॉलीगॉन के सभी बाह कोणों का योग 360 होता है, तो बता बाह कोण निकाल के 360 में भाग करो, तो 360/60 कट किया तो वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो मुझे पता चला कि पॉलीगॉन में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 6। ठीक, अगला, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि भैया एक समान त्रिज्या वाले गोले तथा बेलन के आयतन बराबर, मतलब एक इक्वल रेडियस है जिसमें स्फीयर और सिलेंडर है, इनके वॉल्यूम इक्वल है, तो कह रहा है उस बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई में क्या अनुपात होगा, तो उस सिलेंडर की रेडियस और हाइट में क्या अनुपात होगा, क्या रेशियो, सिलेंडर नहीं ये होगा स्फीयर और सिलेंडर की रेडियस और हाइट का रेशियो क्या होगा। तो आप बताओ सीधा सीधा जो गोले का वॉल्यूम होता है या स्फीयर का होता है 4/3πr³ होता है और उधर होता है πr²h होता है, तो ये वैल्यू तो ये वैल्यू से कट गया, एक r हमारे पास यहां बचा और हमें rh चाहिए, तो r इधर लगाओ h इधर लगाओ, ये वाली वैल्यू उल्टा आ गई, तो वैल्यू आ गई 3/4, कहानी हो गई, है ना, कुछ गलत तो नहीं करते, नहीं सही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। त्रिज्या तथा ऊंचाई पूछ रहा है, तो त्रिज्या अपना ऊंचाई हमें r चाहिए, r देखो यहां पर क्या बचेगा एक बार देख लेते हैं फिर से, तो वैल्यू ये कट गई, तो वैल्यू आई 4/3 r अनुपात या बराबर कर लो इसको, बराबर होगा क्योंकि ये वैल्यू बनेगी h की, हमसे कह रहा है r/h बताओ, तो r/h ये वैल्यू इधर रिवर्स में ना हो जाएगी, यदि ये आएगा भाग में तो ये भी भाग में चला जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 3/4, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास आखिरी है, क्या है, तीन संख्याओं का योगफल 121 है, देयर थ्री नंबर सम है 121, ए प्लस बी प्लस सी का जो सम है वो 121 है। ठीक, अब हमसे कह रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी, दूसरी और तीसरी का अनुपात, मतलब बी रेशियो सी जो है वो है 9:6, चलो ओके आगे। अभी कह रहा है पहली और तीसरी का अनुपात, तो ए रेशियो सी जो है वो हमारे पास वैल्यू है 1:4 का, तो हमसे कह रहा सेकेंड वैल्यू बताओ दूसरी संख्या, तो हम क्या करेंगे, रेशियो बराबर कर लो, आप देखो यहाँ पर सी 6 है और यहाँ पर सी 4 है, तो आप एक काम करो सी को बराबर कर लो, यदि आप सी को बराबर करोगे तो इसमें 2 का गुणा कर लो और इसमें 3 का गुणा कर लो, यदि ऐसा करेंगे तो आप क्या मिल जाएगा ध्यान से देखना, तो आ जाएगा 9 × 2 = 18 और यह आ जाएगा 6 × 2 = 12, इधर आएगा 4 × 1 = 4 और 4 × 3 = 12। तो अब नया रेशियो जो बना हमारा तो क्या बना, ए रेशियो बी रेशियो सी का 4:18:12। अब आप इनको उठाकर देखो तो वैल्यू 121 था, नौ छह तो सही है,
बारह तीस तीस चार चौतीस कभी इक्कीस में भागे नहीं जाएगा। एक की जगह तीन होगा, एक की जगह कहाँ पे? एक तीन का गुणा। अच्छा ये तीन होगा तभी है, ये वैल्यू आ गई भाई अठारह बारह तीस तैतीस आ गया। अब एक बराबर यदि हमारे पास तैतीस है, तैतीस का पहाड़ा यदि पढ़ोगे तो उसमें भी नहीं जाएगा ना, ये गलत है, क्वेश्चन गलत लिख गया है। चलिए ये वाला क्वेश्चन जो है वो गलत लिखा हुआ है, इसको कट कर लो। 29 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, आप इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें। यदि अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कट करो।